आगे हम देखते हैं बोगर की एक और बुक है, आ साइनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आ साइनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका। आ साइनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका इस बुक को किनने लिखा है? बोगर, डॉक्टर बोगर के द्वारा, सीएम बोगर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक के टोटल 4 एडिशन हैं, टोटल 4 एडिशन हैं। पहला एडिशन जो है ये आया था 1915 में, 1915 में, 1915 में, 1915 में आया था। दूसरा जो एडिशन है 1916 में, 1916 में आया था, 1916 में, 1916 में आया था। थर्ड एडिशन जो था 1928, 1928 जिसे हम बोलेंगे 1928 में आया था। फोर्थ एडिशन जो आया था ये आया था 1931 में या 1931 में, इनका जो फोर्थ एडिशन आया था। जो फर्स्ट एडिशन था 1915, 1916 में सेकेंड, 1928 में थर्ड, एंड 1931 या 1931 में फोर्थ एडिशन आया था। टोटल 4 एडिशन है, लेकिन उसके बाद जो है ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड एडिशन जो था, ऑगमेंटेड एडिशन जो था 1935 में आया था, जिसे बाय डॉक्टर बैनर्जी ऑफ कोलकाता, कोलकाता के जो डॉक्टर बैनर्जी थे उनके द्वारा ऑगमेंटेड, जो ऑगमेंटेड एडिशन था किसका, अ साइनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका, अ साइनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका, जिसका ऑगमेंटेड एडिशन जो था वो 1935 में डॉक्टर किसके, बैनर्जी के द्वारा, जो कोलकाता के थे उनके द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था ऑगमेंटेड एडिशन 1935। तो ऑगमेंटेड एडिशन के अकॉर्डिंग ये 5 एडिशन हो गए। पहला देखेंगे फर्स्ट 1915 में, सेकेंड 1916 में, थर्ड 1924 में, फोर्थ 1931 में, एंड ऑगमेंटेड जो आया था 1935 में आया था, जिसको किन्हें लिखा था, डॉक्टर बैनर्जी ने, कोलकाता के थे। ठीक, आगे बात करेंगे प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका। तो एग्जैक्टली इसके 3 पार्ट होते हैं, इस बुक के 3 पार्ट हैं। मोस्ट टाइम भी आपको याद रखना, गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन है, साइनॉप्टिक की के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट में हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम बोलते हैं एनालिसिस पार्ट। जो पहला पार्ट है उसका नाम होता है एनालिसिस पार्ट। मोस्ट मोस्ट आईएमपी साइनॉप्टिक की का जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? एनालिसिस पार्ट, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। जो एनालिसिस पार्ट है वो काय से बना है या उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो एनालिसिस पार्ट में आता है पीरियड्स ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एम्बलरेशन। पहला इसमें एक्सप्लेन किया गया है पीरियड्स ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एम्बलरेशन, जनरलिटीज, जनरलिटीज इसमें आता है। ये क्या है? रीजनल रिपर्टरी है। ये जो याला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका? रीजनल रिपर्टरी वाला पार्ट कहलाता है, या इसे हम रिपर्टरी वाला पार्ट भी बोलते हैं। और इसमें मेडिसिन कितनी होती है? 489, 489 या 489, 489 इसमें कितनी मेडिसिन है? 480, 489 इसमें मेडिसिन कितनी हैं? 489 मेडिसिन हैं। तो एग्जैक्टली जो एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये इसमें बताया गया पीरियड ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एम्बलोरेशन, एंड तीसरा है जनरलिटीज। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या किया है इन्होंने इसके अंतर्गत एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है वो रीजनल रिपर्टरी कहलाता है, या इसमें बोलेंगे रिपर्टरियल पार्ट भी बोलेंगे। और इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो एग्जैक्टली कितनी होती हैं? 489 होती हैं। कितनी होती हैं? 489 इसमें मेडिसिन होती हैं। आगे देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड की बात करेंगे। जो पार्ट सेकेंड है उसे बोलते हैं साइनॉप्सिस या साइनेप्टिक पार्ट, साइनॉप्सिस या साइनेप्टिक पार्ट, साइनॉप्सिस या साइनॉप्टिक पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट होता है, और मटेरिया मेडिका पार्ट कहलाता है। ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? मटेरिया मेडिका वाला पार्ट कहलाता है। ये कैसा होता है? अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। कैसा अरेंज होता है? अल्फाबेटिकली कैसा होता है? अरेंज होता है। एंड रेमेडीज विथ फिजियोलॉजिकल स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, मॉडलिटी एंड रिलेशनशिप। इसमें जो रेमेडीज हैं
उन्हें जो एक्सप्लेन किया गया है विद द फिजियोलॉजिकल स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ मॉडलिटी एंड रिलेशनशिप एंड से मेडिसिन कितनी होती हैं 323 इसमें क्या होती है मेडिसिन होती हैं। तो जब भी हम साइनेप्टिक की बात करेंगे तो जो उसका सेकेंड पार्ट होता है वो साइनोप्सिस या साइनेप्टिक पार्ट होता है, जो जिसमें क्या होता है मटेरिया मेडिका पार्ट होता है वो, ठीक है। और उसमें जो मटेरिया मेडिका होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं, और जो इसमें रेमेडीज ली गई हैं उसे क्या किया गया है फिजियोलॉजिकल स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ मॉडलिटी एंड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है। और टोटल मेडिसिन कितनी हैं 323 या 323 मेडिसिन में आती हैं, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन इसमें आता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन बनता है कि ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, मैथमेटिका वाला पार्ट है, इसमें मेडिसिन कितनी हैं 323 मेडिसिन हैं। थर्ड पार्ट है वो काय का बना होता है टेबल ऑफ अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज, टेबल ऑफ अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज, ठीक। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज, सेकेंड क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज, अगला है एंटागोनिस्टिक रेमेडीज, थर्ड क्या है एंटागोनिस्टिक रेमेडीज, एंड फोर्थ जो है सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल। तो इसके जो जो एग्जैक्टली जो थर्ड पार्ट है वो बना होता है टेबल ऑफ अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज का बना होता है, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज का बना होता है, एंटागोनिस्टिक रेमेडीज का बना होता है, एंड सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल का बना होता है। चार इंपॉर्टेंट चीज़ का बना होता है थर्ड पार्ट। आगे देखते हैं इसमें चार टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की जाती है, इसमें चार टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं कैपिटल बोल्ड इटैलिक रोमन। चार टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की जाती है और इसमें चार ग्रेड्स होते हैं। चार टाइप की टाइपोग्राफी इसमें यूज़ की जाती है और इसमें क्या होती है चार ग्रेड्स होते हैं। तो ये कंक्लूड फॉर्म है किसका, साइनेप्टिक की नोट का, सॉरी साइनेप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका का, जो बोगर के द्वारा लिखा गया है। तो इससे गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट नोट्स में ये आता है, डिप्लोमा कोर्सेज एंड BHMS के एग्जाम में, फाइनल ईयर के एग्जाम में इसमें जो गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो ये पूरे एडिशन जो इसके हैं वो आपको याद होने चाहिए, ऑगमेंटेड एडिशन कब आया था, इसके कितने पार्ट है, तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, तीनों पार्ट में जो रिपर्टरी वाला पार्ट कौन सा है, मटेरियमेटिका वाला पार्ट कौन सा है, मटेरियमेटिका वाले पार्ट में कितनी मेडिसिन है, रिपर्टरी वाले पार्ट में कितनी मेडिसिन है वो आपको याद होना चाहिए, एंड कितनी टाइपोग्राफी है इसमें और कितने इसमें ग्रेड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये सब के सब मोस्ट IMP क्वेश्चन बनते हैं, MDA एंड गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आते हैं।